आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। युगांतर भारती के निदेशक, कार्यकारी निदेशक अंशुल शरण जी और हमारे सुधाकर चौबे जी और बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ आए और उन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाया। और हमने यही देखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के बारे में सोचा, राष्ट्र के बारे में सोचा, तो इनसे हम कुछ सीख लेकर अपने समाज को कुछ दे पाएँ और हम देने की कोशिश करने के लिए भारतीय जनता मोर्चा जो संकल्प है, अलग अलग जगहों पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं मना रहे हैं इनकी जयंती। और समाज को कैसे प्रेरणा मिले, किस तरह समाज आगे बढ़े, किस तरह समाज में कोई ना छोटा हो ना कोई बड़ा हो, न कोई अमीर हो ना गरीब हो, ऐसी व्यवस्था, समरसता का माहौल, प्रेम का माहौल के लिए इस जयंती का आयोजन हम सबों ने किया है। हमारे बीच बहुत सारे लोग संस्थागत अपने अपने क्षेत्र में बड़े कार्य करने वाले व्यक्ति रहे और उन्होंने बड़ा व्यवस्था को सुना और कार्यक्रम को सफल बनाया। आया और भारतीय जनता मोर्चा में शामिल हुआ बतौर मुख्य अतिथि, जो हमें जानते नहीं थे, पहचानते नहीं है, कभी हमारी उनसे बात नहीं हुई, राम आशीष चौहान जी। उनका जो जाति है वो ऐसा वंचित व्यवस्था में है कि वहां महिलाओं ने जो कार्य किया अभी कोरोना के महामारी के समय में, उनको उन्होंने सम्मान दिया। उसके बाद उन्होंने वहां के बच्चों को, एक व्यक्ति 10-10 बच्चों को एजुकेशन देता, पढ़ाता है, घर घर में जाकर के अपने घर में बुलाकर, हमारे यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, बहुत अच्छी कोठी होगी, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, समाज में 10 रुपए जरूर देते हूँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था में भी गाँव में रहा हूँ, सोहनलाल नीरज जी ने कहा था कि अपना हिंदुस्तान कहा जो बसा हमारे गांव में, हमारे गांव से निकलकर हम शहर की ओर आए हैं और इस गांव में फंसे हैं। जब मैंने उनको वहां देखा तो मेरे को यह समझ आया कि नहीं, इन्होंने आशा वाली दृष्टि से हमें देखकर बुलाया है और इतनी पैसे खर्च करके हमें सम्मान दिया है, मैं इनके लिए जरूर खड़ा होऊंगा। और मैंने उनको भरोसा दिया।